मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, तो आई थिंक वो आ चुका है, तो अभी लेने के लिए नीचे चलते हैं गाइस। देर है। Thousand years later. सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना बाइक का काम करवाता हूँ और इस जगह पे मैं अभी आ चुका हूँ। और जो मैंने पार्सल रिसीव किया था वो पार्सल मेरे पास ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो है मेरा बाइक का इंजन ऑयल है और इसका जो देख सकते हैं इसका जो 15W50 है और ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। और इसके जो प्राइस आप यहां पे देख सकते हैं 630 रुपीज़ है, बट ये मेरे को 570 में आई थी। तो गाइज, मेरा जो लास्ट इंजन ऑयल मेरा चेंज हुआ था 4000 पे हुआ था और अभी जो रीडिंग इसमें शो कर रहा तो जिससे कि देख सकते हैं गाइज 8,897। मैंने सोचा था इसको 4000 पे इंजन ऑयल चेंज करने का, बट यहाँ पे 4100 हो चुका है। तो टाइम आ चुका है मैं 4000 पे इंजन ऑयल अपना चेंज करता हूँ और मैं सेम इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 15W50, यही मैं इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ करता हूँ। 3 ईयर्स से मैं सेम मोतुल का इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ करता हूँ गाइज। सो गाइज, आपको मैं अभी इंजन ऑयल का कंडीशन दिखाता हूँ, मोतुल का इंजन ऑयल का कंडीशन अभी कैसा है आफ्टर 4000 किलोमीटर के बाद। तो आइए आपको दिखाते हैं गाइज। सो गाइज, ये 4000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल का कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी भी इसमें थिकनेस है और अभी भी अराउंड 1000 आराम से इसमें चल सकता था, बट मैं 4000 पे अपना इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ और अभी भी अच्छी कंडीशन है गाइज इंजन ऑयल का, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी इसमें जो थिकनेस आप देख सकते हैं अभी भी इसमें है गाइज, जिसे देख सकते हैं अभी भी है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है इंजन ऑयल की जो थिकनेस है अभी भी बहुत अच्छी है और अभी भी जो है ये अराउंड 1000 किलोमीटर और भी चल सकती थी, बट मैं 4000 पे अपना इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ। सो गाइज, अभी इसका पैनल खोल रहे हैं और अभी चेक करेंगे फिल्टर का कंडीशन कैसा है, अगर गंदा होगा तो इसको अभी क्लीन करवाना है। फिल्टर तो खत्म हो गया, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फिल्टर का कंडीशन कैसा है अभी, तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है। तो कभी भी आप इंजन ऑयल आप चेंज करते हैं तो फिल्टर आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो बेटर है इसको चेंज करना ही बेटर होगा मेरे लिए। तो देख सकते हैं ये मेरे लिए एक न्यूवन ढूंढ के निकाला है, आप देख सकते हैं इसको मैं अभी चेंज करने वाला हूं, रिप्लेस करूंगा इसको। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये जो फ़िल्टर है जेन्युइन है, ओरिजिनल है, जैसे कि बजाज का जेन्युइन पार्ट्स आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है गाइज, आप देख सकते हैं 66 है, बट आई थिंक ये 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कमीशन होता है और कमीशन को मैं रिड्यूस करके इसको अपना बाइक में लगवाऊंगा गाइस। दोनों फ़िल्टर में आप कंपेयर कर सकते हैं कितना ये गंदा हो चुका था, और ये देख सकते हैं ये न्यू वन है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़िल्टर का जो है अच्छे तरीके से क्लीनिंग किया जा रहा है, और जिस जगह मैं अपने बाइक का काम करवाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अश्वनी रॉक एक्वेरियम फिश गैलरी है, और ये जो है गाइज आप देख सकते हैं 12A का जो शॉपिंग सेंटर है इस जगह पे ये लोकेटेड एरिया में है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से इसका लुक वाइज कैसा है, और यहाँ से मैं अपना घर के लिए जो फिश वगैरह जो लेता हूँ इसी जगह से लेता हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारा जो फिश का खाना वगैरह होता है यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और इसका जो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं डेकोरेटिंग का चीज़ है, यहाँ पे फिल्टर वगैरह जो देख सकते हैं, और जो ये सब जो है एक्वेरियम के जो पानी के अंदर होता है ये सब जो प्लांट्स होता है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी अवेलेबल है, आप एक्वेरियम देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ से ले जा सकते हैं गाइस। सो गाइज अगर आप आते हैं यहाँ पे फीस वगैरह लेते हैं और कुछ भी सामान लेते हैं इस जगह पे और मेरे चैनल के थ्रू आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, श्योरली आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम लेते हैं तो। और ये जो लोकेशन है गाइज आप 12A का शॉपिंग सेंटर आप देख रहे हैं और इस जगह मैं अपना बाइक का काम करवाता हूँ जिसका आप बैक साइड में देख रहे हैं और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्वेरियम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये CVR बाइक यहाँ पर लगा हुआ है और अभी मैं इसका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ, तो अभी चलते हैं CVR को राइड करते हैं गाइज। सो फ्रेंड अगर इस प्लेस पे आते हैं तो मेरे थ्रू आते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्वेरियम गैलरी यहाँ पे बना हुआ है और बहुत सारा फिश का वैरायटी आपको मिल जाएगा इस जगह पे गाइस। तो चलिए अब मैं अपना बाइक का काम करवाता हूँ, अगर आपको यहाँ विजिट करना होगा तो आप आइएगा और मेरे चैनल के थ्रू आइएगा तो आपको पक्का डिस्काउंट मिलेगा गाइस। Longer than a few minutes later. So guys, मेरे बाइक का जो है इंजन ऑयल और फिल्टर मैंने चेंज कर लिया और काफ़ी स्मूथनेस हो गई है बाइक के, मैंने राइड करके देखा है। और तो जैसा देख सकते हैं गाइज ये 150cc पल्सर के लिए सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है और मैं जो यूज़ करता हूँ गाइज सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ और ये जो है 15W50 है और इसकी जो प्राइस है आपको 570 rupees की आएगी है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और राइडिंग सेफ कीजिए गाइज। चलिए बाय।